हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स विद केपी। तो आप सब कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम सभी अच्छे हैं, ठीक है। तो चलिए आज और अभी से आपके ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को साथ में लेकर स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, मात्र 6 मिनट का है। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो ज़रा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं सुबह सुबह बनाई हूँ ढोकला। जैस जाएगा स्कूल और इसीलिए मैंने बनाया था यहाँ पे ढोकला। तो मेरा ढोकला तो ऑलरेडी बन चुका है। और जब मैंने मैं गई ना जैस को जगाने के लिए कि चलो उठो स्कूल जाओगे, तो वो ना उसको ऑलरेडी कल रात से ही पैर दर्द बहुत हो रहा था। तो मैंने ना क्या किया था, एक दुपट्टे से ना उसके पैर को ऐसे रैप कर दिया था, तो वही फिर सो गया था। आज सुबह जैसे उठा फिर पैर पकड़ के इतना तेज रो रहा था, तो उसके पापा ने बोला कि छोड़ो, आज जाने दो, आज उसको मत भेजो, आज उसको ना रेस्ट करने दो। तो एकदम तरस आ गया था उसका चेहरा देख के। और यहाँ पर ना पसीना इस टाइम बहुत हो रहा है, तो पसीने की वजह से क्या हो रहा है ना, बॉडी में से पानी का लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है पानी, तो इसी वजह से ना उसका। और वैसे भी उसको ना थोड़ा सा पैर दर्द का इशू है, बचपन से ही उसका पैर बहुत दर्द होता है। मुझे भी था ये प्रॉब्लम, अभी भी मुझे भी होता है, लेकिन उतना नहीं होता है उसको, बहुत ज़्यादा, मतलब हफ्ते में कम से कम 2 बार तो हो ही जाता है। तो डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ने बोला कि कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। और ये जगह पर ना, तो वो फिर से सो गया और मैं चली आई घर का कामकाज करने में। और ये जगह पे ना आज 2-3 दिन से लगातार एक कुत्ता आके बैठ रहा है। उसके पता नहीं उसके पूरे बॉडी में ना वो हुआ है, घाव हुआ है, चोट लगा है, खून गिरता है, मतलब मैं परेशान हो गई हूँ। खाली डेली धुलना पड़ता है, इतना काम बढ़ गया है। आगे से तो हम लोग निकलते नहीं है, ये पीछे साइड से निकलते हैं, लेकिन उसी कुत्ते के चक्कर में ना डेली धुलना पड़ रहा है, फालतू का एक काम बढ़ गया है। वैसे ही इतनी गर्मी है, दिमाग ख़राब हो रहा है, ऊपर से पूरा एकदम काम बढ़ रहा है, माथा ख़राब हो जाता है। और फिर ना आज ब्लैंकेट को भी धोया था। ब्लैंकेट इस टाइम रेगुलर यूज़ हो रहा है, एसी चलता है तो सुबह के टाइम लगता है, तो उसमें ना स्मेल होने लगता है, पसीना पसीना हो जाता है। तो ब्लैंकेट को भी धो दिया है, आज मैंने धुला है। कल जो धुला था वो जयेश के पापा ने धो दिया था, तो आज वो सो गए थे, उन्होंने बोला था कि मैं ही धुलूँगा, लेकिन सो गए थे। फिर मैंने सोचा कि पानी भी चला जाएगा, चलो मैं ही धुल देती हूँ। तो ब्लैंकेट व्लैंकेट धुल धाल के मैं इधर आ गई घर का काम करने में, क्योंकि नाश्ता ऑलरेडी मेरा बन चुका था। और आज गार्डन में भी हल्का फुल्का घास है, उसको भी थोड़ा थोड़ा निकालेंगे। तो और इधर जयेश के पापा ना धुल दिए थे, ये कपड़े धुल दिए थे। हम लोग क्या करते हैं ना, सुबह सुबह उठ के मैं पहले कपड़े भिगो देती हूँ, फिर पानी रहते रहते ही कपड़े धुल लेती हूँ। तो उसमें ताज़ा पानी जो आता है ना, सप्लाई वाला पानी, बहुत स्पीड से आता है, तो उसमें ना वॉशिंग मशीन का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। वैसे भी है नहीं मेरे पास, मैंने जानबूझ के नहीं लिया है। सारा काम तो ऐसे खड़े खड़े बैठे बैठे, नल खोलो तो पानी का हो जाता है, खड़े खड़े पोछा लगाओ, कम से कम कपड़े धोने के चक्कर में थोड़ा सा मेहनत होगा, एक्सरसाइज होगा, नहीं तो मशीन लेने की क्या है। खाली बरसात में हल्का सा थोड़ा सा उसका पानी ड्राई करने के लिए ज़रूरत पड़ता है, तो उतना ही, तो वॉशिंग मशीन का कोई यूज़ नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है। और फिर ना यहाँ पर ये जो है सुबह शाम दोनों टाइम पानी आता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, इतना स्पीड से पानी गिरता है, आराम से धुल जाता है 2-3 बाल्टी कपड़े। और ये देखिए जाली किनारे किनारे, अभी तो थोड़ी मतलब कुछ दिन पहले दादी ने साफ़ किया था, फिर से हो गया इस टाइम, और इसी को मैं साफ़ कर दे रही हूँ। आंगन के आसपास ना थोड़ा साफ़ सफाई रखती हूँ, क्योंकि 4-5 सांप का बच्चा एक ही साथ घूम रहा था। और साफ़ करते करते रहे मिर्ची का और ये पपीते का कुछ पौधा निकला था, तो इसको मैं जगह जगह पर लगा दे रही हूँ। ऑलरेडी मेरा पपीता कम से कम 7-8 पपीते का हो गया है, एक एक हाथ लंबा हो गया है, तो ये फिर छोटा था उस टाइम, तो इसको मैं अभी लगा दे रही हूँ। अभी बरसात का मौसम है तो पकड़ लेगा, लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी दे दे रही हूँ इसमें, ताकि इसका जड़ जो है पकड़ ले। और मिर्ची तो कुछ दिन पहले बहुत हुआ था, फिर बीच में रुक गया था, फिर फूल आया, अभी तो इतना हो गया है। हम लोग बंगाल में इसको ओढ़ेल बोलते हैं, मतलब मेरे गार्डन में मिर्ची ओढ़ेल हुआ है, तो बहुत ज़्यादा जब हो जाता है उसको ओढ़ेल बोलते हैं। तो ओढ़ेल लंका हो गाचे एन जार दरकार नहीं जो पारो। और ये ना ये घास वास पीछे से पीछे साइड जंगल देखिए, पूरा एकदम हरा हरा दिख रहा है, लग रहा है ना जैसे
जंगल में मतलब वन में आ गए हैं ऐसा लग रहा है। और ये बगल वाले का जो अमरूद का पेड़ है उसका डाल मेरे तरफ आया था तो उसमें बहुत सारा अमरूद लगा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये ना आधा कच्चा आधा पक्का है, तो जयेश के पापा को, मुझे जयेश को, तीनों को ऐसे ही पसंद है। तो मैंने बोला कि चलो खाना शुरू करते हैं, नहीं पक जाएगा, जैसे बारिश होएगा उसे वो पक जाएगा और फिर कीड़ा हो जाएगा। तो वही दो चार अमरूद मैंने तोड़ लिया था, जयेश के पापा कुछ लेके जाएंगे और दो हम लोग खा लेंगे। और फिर ना उन्होंने नहा लिया है, बोले कि मुझे ड्यूटी जाना है तो नाश्ता दे दो। तो मैंने सोचा कि तीनों लोग एक ही साथ नाश्ता कर लेते फिर मैं चले जाऊँगी नहाने। और सीधा मैं शाम को आई थी डांस क्लास, और उसके बाद ना ये इनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था यहाँ पे, जो पर्पल कलर की सूट पहनी हुई है इनका बर्थडे था। तो वही बर्थडे का थोड़ा सा व्लॉग मतलब क्लिप हमने आप लोगों के साथ शेयर किया, बहुत इंजॉय था। ये सारी लेडीज हम लोग डांस सीखते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।